हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि कोई भी नई चीज़ लेनी है तो जब तक पुरानी चीज़ का बेड़ा गर्क नहीं होता वो इस्तेमाल पे नहीं लगानी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कितनी स्नो हो रही थी और मैंने जो है जो वाटरप्रूफ शूज़ लिए थे वो नहीं थे पहने, जिसकी वजह से मेरे जो पाँव की उंगलियाँ थी वो फ्रीज़ हो चुकी थी और मेरे ग्लव्स जो थे उनके अंदर मेरे हाथों की उंगलियाँ फ्रीज़ हो चुकी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। बाय द वे, टैप वाटर यहाँ का सबसे बेस्ट वाटर माना जाता है। आज इतनी सर्दी नहीं है लेकिन वाटरप्रूफ जैकेट पहनना ज़रूरी है, स्नो से भी ज़्यादा। मैं दिखाता हूँ आपको। शाम के बज चुके हैं तकरीबन 4 और मार्केट में आज नहीं जा सका क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी और कोई छतरी वगैरह नहीं थी जाने के लिए। अभी भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और यहाँ पे देख सकते हैं जो दरख्त हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गए। अब जो है ना उन पे बर्फ़ नहीं है। तब से जो है मैं दूसरे वाले अपार्टमेंट में था, खाना खाया दोपहर का और उसके बाद जो है बैठ के गपशप लगाई है। अभी जो है वापसी में जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट में। अब तो वैसे भी नहीं जाना मार्केट क्योंकि आज है 18 दिसंबर और आज है अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल वर्ल्ड कप फुटबॉल का मैच और अभी वही जाके इंजॉय करेंगे। मार्केट कल जाएंगे, इस व्लॉग को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे कल तक, जब तक क्योंकि हमने बोला था हम मार्केट जाएंगे, कुछ सामान लेके आना है वो ज़रूरी है। मैं बताऊंगा फिर क्यों ज़रूरी है और क्या लेने जा रहा हूं। लेकिन आज जो है वर्ल्ड कप का मैच जाके एंजॉय करते हैं, अब जो है ना कल इंशाल्लाह मार्केट जाएंगे और ले आएंगे। व्लॉग जो है ना कंटिन्यू रखते हैं। अभी जो है 5 बजने में कोई आधा घंटा बाकी है, नमाज का टाइम निकल रहा है, नमाज पढ़नी है, उसके बाद फिर मैच लगा के मैच एंजॉय करेंगे। फेवरेट टीम है वो ब्राज़ील है नेमार की वजह से। उसके बाद अगर मुझे कोई पसंद है तो वो मेसी है और इसलिए अर्जेंटीना भी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन ब्राज़ील की अपनी बात है, लेकिन वो बेचारी क्वार्टर फाइनल में बाहर होगी। लेकिन आज जो है मेसी की वजह से मैं ये वर्ल्ड कप फाइनल देख रहा हूँ। वैसे मुझे फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वर्ल्ड कप मैं इन्जॉय करता हूँ।
तभी एक गोल मार चुका है मेसी, और आई होप कि मेसी ही जीतेगा। फिनलैंड शिफ्ट हुए हैं, इस वजह से अभी टीवी मौजूद नहीं है, एलसीडी घर पे, केबल तो आई थिंक लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन एलसीडी लानी बाकी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी ले आएंगे। इसीलिए जो है मैं मैच जो है अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, मज़ा तो इसमें भी आएगा। अपने फ्लैट से दूसरे फ्लैट में आया था रात का डिनर करने के लिए, और वहीं पे एंड का मैच देखा है, भाई मज़ा आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्जेंटीना टीम एंड अर्जेंटीना फैंस, बड़ा मज़ा आया मैच देख के, बहुत एंजॉय किया। रात हो गई अभी जो है 9 बज रहे, अभी मैं वापसी जा रहा हूँ फ्लैट में सोने के लिए, कल इंशाल्लाह फिर निकलेंगे बाहर जाएंगे। इतनी बुरी हुई है कि चलना जो है ना वो तकरीबन नामुमकिन हुआ हुआ। अभी बजरी फैलाई जा रही थी रोड के ऊपर ताकि कोई स्लिप ना हो। अभी जो है इसी वजह से मार्केट में नहीं जा रहा, और मेरा काम वैसे ही हो गया, वो लगेज के अंदर से कहीं से एक नोटबुक निकल आई है, ये मुझे चाहिए थी, ये ज़रूरी काम था। इसके अलावा एक और ज़रूरी काम था, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ की गवर्नमेंट इस कदर अपनी आवाम का ख्याल रखती है कि देखो स्लिप वाले रोड में फ़ौरन क्रेन लगी हुई है, बजरी फैलाई जा रही है ताकि कोई स्लिप होके गिर ना जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो अल्लाह ही मालिक है कि गटर का ढक्कन खुला है एक बार और पानी निकलना जो शुरू हुआ है, तो सालों साल पता ही नहीं होता कि ये गुजरने की जगह है या फिर जो है ना ये तालाब है। तो बहरहाल फ़र्क तो है, अभी जो है ना मार्केट तो नहीं जाना, ये काम मेरा हो गया। अब कल जाएंगे, एक और काम भी करना था, लेकिन अभी छोड़ देते हैं ताकि गिर के जो है ना कोई हड्डी पसली ना एक हो जाए। तो अभी दूसरा काम है वो अभी कर लेते हैं। लाइटिंग का डिफरेंस देख रहे हो आप, इतनी देर से जो मेहनत कर रहा था मैं, वो इसीलिए था कि रूम के अंदर थोड़ा स्टूडियो टाइप फीलिंग्स आए, ताकि शूट करते वक्त आपको भी जो है ना आपसे बात करते हुए आप लोगों को भी अच्छा लगे। लेकिन अभी भी जो काम सेकंड अधूरा रह गया है, जो मार्केट नहीं जा सका, वो ये रिमोट है। ये लाइट जो है इस रिमोट से कंट्रोल होती है, अब इसमें सेल नहीं है, इसमें बैटरी नहीं है। अभी जब मार्केट चक्कर लगेगा तो वो भी लेके आ जाएंगे। बहरहाल बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है शूट करते हुए,
आपको इंट्रो बनाना होगा या आप लोगों से कुछ बात करनी होगी तो मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ इंशाल्लाह। अभी रूम में ज़्यादा नहीं है, आप कपड़े देख सकते हो, जो अलमारी इधर पड़ी हुई थी उसी में मैंने जो है ना एडजस्ट कर दी है। अभी अलमारी भी नहीं है, अभी 4 दिन तो हुए हैं यहाँ आए हुए, और बाहर का हालात जो है आप सबने देख लिए हैं क्या चल रहा है। तो आस्ता आस्ता जो है अलमारी भी ले आएंगे, एक कंप्यूटर टेबल यहाँ पे ला के रखेंगे इंशाल्लाह, इन फ्यूचर कंप्यूटर भी ले लेंगे। और एक ये मैंने नेपाल से लिया था, ये मुझे जो है ना बड़ा अच्छा लगा था। अभी तो मैंने जुगाड़ करके वो जो ऊपर लाइट लगी है उसी के साथ लटका दिया है, लेकिन जो है ना इसको भी सेटिंग करेंगे इसकी आस्ता आस्ता। आधा रूम रहेगा मेरा ये और आधा ये जो है ना स्टूडियो बन जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसी तरह मेरे व्लॉग वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।